मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वेवलाइन टेक ट्रेनिंग एंड असेसमेंट सेंटर वाराणसी में कहाँ है, प्रतियोगी छात्रों के लिए यहाँ कैसे आप पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड पे अपना एड्रेस कंफर्म कर लें कि जो एड्रेस लिखा हुआ है वेवलाइन टेक ट्रेनिंग एंड असेसमेंट सेंटर सिंधोरा रोड कृष्ण नगर चांदमारी या रिंग रोड, क्या ऐसा कोई एड्रेस लिखा है एडमिट कार्ड पर तो आपका यही सेंटर है, ये कंफर्म हो जाता है। इसके बाद आता है कि हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए, जो छात्र होते हैं, प्रतियोगी छात्र जो होते हैं, वो बाहर से आते हैं, या तो ट्रेन से आते हैं या तो बस से आते हैं। अगर कोई छात्र वाराणसी रेलवे स्टेशन पे आता है बनारस में, तो वो तो रेलवे स्टेशन पे आएगा। जो सरकारी रोडवेज बस है वो भी पास ही में, दोनों पास ही में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सटा हुआ है, 5 मिनट का पैदल एक दूसरे से रास्ता है। कोई भी छात्र अगर इस क्षेत्र में आ जाता है रेलवे स्टेशन पे, तो रहने के लिए बहुत कम कीमत पर होटल, धर्मशाला मिल जाता है, लॉज मिल जाता है, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है, होटल है, सभी सुविधाएं रहती हैं। छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो छात्र बार उत्तर प्रदेश के आसपास के ज़िलों से आ रहे हैं, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, गाजीपुर, कानपुर, इस सब जगहों से, वो भी आकर इस क्षेत्र में रात भर रह सकते हैं, और जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं वो भी कैंट रेलवे स्टेशन पर रात गुजार सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आता है कि सेंटर पे कैसे पहुंचे हम। सबसे पहले जान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन जो वाराणसी का है, यहां से आपको टेम्पू जो है वो भोजूवीर के लिए पकड़ना होगा। डायरेक्ट शायद ही 9 के बराबर है कि कोई डायरेक्ट आपको ऑटो वाला यहां लेके जाएगा। सबसे पहले आपको भोजूवीर जाना होगा, एक जगह है वाराणसी में भोजूवीर आपको जाना होगा। यूपी कॉलेज भोजूवीर जो है, यूपी कॉलेज वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है। अगर आप भोजूवीर कहें या यूपी कॉलेज के पास जाना है कहें, तो ऑटो वाले आपको वहां पे छोड़ देगा। यहां का किराया 30 से 40 रुपया है आपको लगेगा। इसके बाद जब भोजूवीर पहुंच जाएंगे, तब वहां से आपको सीधा रास्ता मिलेगा। देखिए, जैसे कि ये भोजूवीर है, यहाँ पहुँच जाएंगे, इधर यूपी कॉलेज है, और ये वाला जो रोड जा रहा है यही है, ये सिंधोरा रोड, जो सिंधोरा रोड है ये, तो इसी को सिंधोरा मार्ग बोलते हैं। और ये आगे लगभग 7-8-10 किलोमीटर चला जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ 10 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ आएगा एक वाराणसी रिंग रोड है, जो पूरे वाराणसी सिटी को ऐसे रोड से घेरा हुआ है। तो रिंग रोड के भी पास आप पहुँच सकते हैं टेम्पू वालों से, ऑटो वाले से बोल करके। इसके बाद ये जो आपका सिंधोरा रोड है ये हो गया, इसके बाद कृष्ण नगर, और जो ये सेंटर है वेवलाइन टेक ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, बस यहीं पे है, यहीं पे है, आपको पूछना है। और यहाँ पे ऑटो वाला जो नहीं जानता है, मान लीजिए सेंटर के बारे में आपके, तो आप चांदमारी बोल सकते हैं कि चांदमारी में हमें उतरना है। ये चांदमारी एक बड़ा इलाका हो गया, एक क्षेत्र हो गया। इसके बाद कृष्णनगर इसी के अंदर आ जाता है, और इसी के अंदर आ जाता है आपका ये वेवलाइन टेक ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। इस तरीके से आप सेंटर के पास बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हो सकता है ये टेम्पू ऑटो वाला रिक्शा वाला न जानता हो जो ट्रेनिंग है, लेकिन आप जगह बता देंगे कि सिंधोरा रोड पर कृष्णनगर में या चंदमारी के पास में हमें पहुँचना है, तो यहाँ आप पहुँच जाएँगे इसके पास में। तो जाहिर सी बात है, आप खुद ढूँढ लेंगे ये ट्रेनिंग सेंटर, और आसपास जो लोग होंगे वो ज़रूर बता देंगे, क्योंकि हमेशा प्रतियोगी परीक्षा रहता है तो लोग जान जाते हैं। तो आप वेवलाइन टेक ट्रेनिंग एंड असेसमेंट सेंटर आसानी से पहुंच सकते हैं। बस एक ही बात याद रखना है कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से भोजूवीर के लिए ऑटो पकड़िए या टेम्पू। इसके बाद यहाँ से आपको भोजूवीर पकड़ने के बाद किसी भी ऑटो टेम्पू वाले से पूछ लीजिए कि हमें सिंधोरा मार्ग जाना है और चांदमारी के पास हमारा सेंटर है वेवलाइन टेक ट्रेनिंग असेसमेंट सेंटर, क्या तुम जानते हो, तो हमें उतार देना वहाँ, या किसी तरीके से रास्ता बताओ जो हम वहाँ पहुँच पाएँ। तो किसी से भी पूछकर आप पहुँच सकते हैं, बहुत आसान रास्ता है। और वापस आना होगा तो फिर वही रास्ता है, आप यहाँ सिंधोरा जो रोड है, अब सीधे आप भोजूवीर आइए, भोजूवीर से आपको सीधा ऑटो वाला कैंट ला के छोड़ देगा, यहाँ से अपने गंतव्य स्थान पे जा सकते हैं। किराया की बात करें तो कैंट से भोजूवीर का 30 से 40 रुपया के आसपास है, और सिंधोरा वाला भी 30 से 40 रुपया किराया, यानी 80 रुपया के आसपास आपका किराया एक तरफ का लग जाएगा जाने का, और उतना ही आने का। हो सकता है प्रतियोगी परीक्षा जिस दिन रहता है, ऑटो वाले जान जाते हैं कि ये छात्र हैं, तो किराया बढ़ा देते हैं, दोगुना वसूलने लगते हैं, क्योंकि मजबूरी रहता है आना जाना। तो अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न है इस सेंटर को लेकर, कैसे पहुँचें, कहाँ से पहुँचें, तो आप कमेंट करके हमें अवश्य पूछ सकते हैं।